हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी वेपम की प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट लास्ट ईयर्स के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ परीक्षा परिणाम, तो परीक्षा परिणाम जो 2019 का है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। ठीक है, इसकी दोस्तों की परीक्षा एग्ज़ाम डेट जो रही ऑनलाइन परीक्षा के एग्ज़ाम, ये रहा आपका 9 मई 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आया था 1 जून 2019 को इसका रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टॉप 10, इसमें जो रिजल्ट इन्होंने दे के रखा हुआ है। तो उससे इन्होंने क्या है, कट ऑफ के ना दे के इन्होंने क्या किया कि टोटल टॉप 10 कैंडिडेट्स के इन्होंने नाम दे के रखा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2019 के टॉप 10 कैंडिडेट्स की रिपोर्ट इन्होंने दे के रखी हुई है। इसमें एक तरफ आपको रैंक देखने को मिलेगी, एक तरफ रोल नंबर, एक तरफ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ फादर्स नेम दिया, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर आपको जेंडर मिलेगा, यहाँ टोटल मार्क्स, और यहाँ पर आपको उसका सिटी का नेम देखने को मिलेगा जहाँ उसका एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो नाम लिखा हुआ वो है आपका रोल नंबर, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम आपका दिया है संस्कार पाठक करके, इनके फादर्स का नेम है संजय कुमार पाठक, ये जनरल कैटेगरी के हैं, जेंडर मेल। ठीक है, टोटल मार्क्स इनके आए हैं 119.94। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल में मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ आपका हाईएस्ट गया है 119.94। ठीक है, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उज्जैन शहर में हुआ था। अब इसी तरह हम सेकेंड नंबर पर देखें, सेकेंड नंबर पर दिया है पराग जैन का नाम, ठीक, इनके फादर्स नेम विनीत कुमार जैन, और ये भी जनरल कैटेगरी के हैं, इनके मार्क्स हैं मेल कैटेगरी में 170.88, इनका एग्ज़ाम हुआ था दमोह में। नेक्स्ट आपका यादव, अनुराग यादव करके रामपाल यादव, इनके पिताजी का नेम है, ये आपके ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये मेल कैटेगरी में, ठीक है, तो इनके मार्क्स आपके आए 116.16। मतलब दोस्तों कि ओबीसी कैटेगरी का हाई कट ऑफ आपका गया है 116.16 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था आपके इंदौर शहर में। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में इनके बाद जो मार्क्स आए हैं वो आपके आए हैं साहू केतन साहू के, ये भी मेल हैं, 115.18 मार्क्स इनके आए, उनका एग्ज़ाम सेंटर भोपाल था। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जनरली सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आप देखेंगे जनरल का वो आपके 119.94 ही गया हुआ, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ आपका गया है कितना 116.16। तो और इसमें मेल कैटेगरी का फीमेल का एक दिया है सबसे नीचे, ए दिया 7वें नंबर पर फीमेल का दिया है आर्य शर्मा, ठीक, आर्य शर्मा के पिताजी का नाम है आलोक शर्मा, ये भी जनरल कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी है, और इनके मार्क्स आपके आए 111.29। ठीक, मतलब कि दोस्तों फीमेल कैटेगरी में जनरल का कट ऑफ गया है 111.21 नंबर का। और इसके बाद फिर जितने भी आप नीचे देखेंगे 8वें 9वें 10वें नंबर पर, ये सब मेल कैटेगरी में है जनरल और ओबीसी का टॉप 10 को आपको, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आपको एससी एसटी में कोई भी टॉप 10 में नहीं आया हुआ है, लेकिन आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यदि जनरल का कट ऑफ आपका 119.94 गया हुआ है, ओबीसी का कट ऑफ आपका 116.16 गया हुआ है, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ आपका कट ऑफ आप ओबीसी से थोड़ा सा कम, यानी कि 110 के आसपास आप मान सकते हैं, ठीक है, और एसटी कैटेगरी यह हुआ आपका एससी का आप मान सकते हैं, और एसटी में अगर आप मानेंगे तो एसटी कैटेगरी में इनका कट ऑफ आपका वही आप 105 के आसपास मान लीजिए, मतलब 5, 5, 6, 6 नंबर के ऊपर नीचे आसला फासला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से दोस्तों आपको 2020 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों नीचे यहाँ पर दे के रखा हुआ है इनके एप्लीकेंट का लिस्ट दी गई सिटी वाइज, यानी कि किस सिटी से कितने कितने एप्लीकेशन यानी कि इन्होंने रिसीव्ड किए हुए। इस बालाघाट में फीमेल कैटेगरी के टोटल 179 फॉर्म भरे गए, ठीक है ना, बालाघाट में, लेकिन वहाँ पर टोटल 161 लोगों ने अटेंड किया हुआ था आपका एग्ज़ाम। इसी प्रकार से आपको बालाघाट में मेल में आपको 11 लोग टोटल एक्सेप्टेड फॉर्म किए गए, इसमें से 11 ही अटेंड हो गए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को हम मिल रही संख्या दोस्तों, जैसे कि ये देखिए भोपाल शहर में जो मेल 9558 और 7272 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। दोस्तों इस प्रकार से
ये सब नीचे एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे देखें तो 31024 फॉर्म भरेगा, जिसमें से आपका 2485 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों आप कट ऑफ के हिसाब से स्टडी किट आप वो देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। तो दोस्तों हिसाब से आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।